नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल आप देख रहे हैं जिस तरीके से मैं लघु सचिवालय के सामने पहुंच चुका हूं। ढेर सारे कांग्रेसी यहां पर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता, और मैं कहूंगा यहां पर स्पष्ट तौर पर मोस्टली हुड्डा पक्ष दिखाई दे रहा। सामने पुलिस प्रशासन यहाँ पर भारी संख्या मुस्तैद है। एक बार आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर है हाल है। एक तरफ पुलिस प्रशासन मौजूद है और कांग्रेसी पहुंच चुके हैं लघु सचिवालय के सामने। फिलहाल यहाँ के हालात आज आप समझ सकते हैं, फिलहाल यहाँ पर हाल क्या है। और लगातार बेरोजगारी और महंगाई को लेकर नारेबाजी की जा रही है। लगातार आप देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए लघु सचिवालय की तरफ कांग्रेसी और कांग्रेस जन यहाँ पर बैठ चुके हैं। फिलहाल प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं यहाँ पर बहुत सारे चेहरे दिखाई दे रहे हैं और मोस्टली ये चेहरे वही हैं जिन्हें हुड्डा पक्ष के साथ जोड़ा जाता है, हुड्डा गुट के साथ माना जाता है, जोड़ा जाता है। तो फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पर फिलहाल ये चेहरे आज महंगाई और नौकरियों को लेकर जो समस्या है हरियाणा में, बेरोजगारी दर की बात की जाती है तो बहुत ज़्यादा है छोटे से स्टेट में। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं नारेबाजी की जा रही लगातार। मैं ये कहूंगा कि जिस तरह से आज महंगाई की जो मार है वो आम जनता पे, नौजवानों पे जो दो साल से लगातार रोड पर हैं और उनको नौकरी से निकाला जा रहा है, नई नौकरियां नहीं दी जा रही, और खास करके मैं कहूंगा कि जिस तरह से इन्होंने खाने पर भी जो जीएसटी लगाई है, हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको वापिस लिया जाए, नहीं तो ये संघर्ष कहीं और चार गुना बढ़ेगा और इनको झुकने का काम हम करवाएंगे दिन रात एक करके। कांग्रेस पार्टी आज पूरी एक है। जिला मुख्यालय पर जिस तरह का प्रदर्शन देख रहे हैं आप, नौजवानों की जो जनसंख्या है, हजारों की संख्या में नौजवान साथी पहुंचे हैं यहाँ पर, और आने वाले दिनों में लाखों लाखों की संख्या में यहाँ नौजवान साथियों की संख्या होगी। ईडी का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, चाहे कोई भी बोलने का काम करता है उनकी जबान को दबाने का काम ये गवर्नमेंट कर रही है लगातार, तो ये जबान दबा नहीं सकते। जो जनता की आवाज है उसको ये दबा नहीं सकते और ये आगे चल करके एक गुब्बारा बनेगी, जिस दिन गुब्बारा फूटेगा उस दिन गवर्नमेंट का पतन हो जाएगा। बदलाव दिखाई देगा इससे जो पहल कर रही है, आप देख ही रहे हो जिस तरह से प्रदर्शन हमारे 1 तारीख को जो है चंडीगढ़ में भी हमारा चिंतन शिविर था और उसमें 8 मुद्दे खास तौर पर हमारे नेताओं ने रखे, उन पर कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में हर गांव गांव गली गली में ब्लॉक स्तर पर जाकर के संघर्ष करेगी और इस एक दिन ये संघर्ष 4 चांद लगाएगा और इस गवर्नमेंट को झुकने के लिए मजबूर करेगा। तो दोस्तों फिलहाल आप देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर युवाओं की बात करूँ, बुजुर्गों की बात करूँ, हर कोई कांग्रेस जन फिलहाल यहाँ पर गिरफ्तारी के बाद मेरे साथ जुड़ा हुआ है। राकेश शर्मा मेरे साथ मौजूद है और युवा अध्यक्ष हैं, अलका अध्यक्ष हैं, फिलहाल भिवानी से मेरे साथ जुड़ गए हैं। क्या कहेंगे इस गिरफ्तारी और महंगाई के पीछे? कांग्रेस प्रदर्शन तो कर रही है लेकिन इसका हल भी निकलेगा क्या? नमस्कार भाई साहब, हल आज ये हमारा प्रदर्शन था महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, जो इन्होंने ये अलग जीएसटी लगाई है दूध दही पर, जो हमारे बेसिक जो नीड है जो रोज़मर्रा की, उसके ऊपर भी इन्होंने जीएसटी लगाई। आज तक कभी जीएसटी उन पर लगी नहीं थी और इतनी महंगाई हो रही है, उसके बाद भी केंद्र सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही, कोई कुछ नहीं कर रही, उसके लिए आज पूरे देश में कांग्रेस ने और यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। उसमें आज हमने गिरफ्तारी दी है जिला भिवानी मुख्यालय के ऊपर। फिलहाल आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पर बहुत सारे कांग्रेसी मौजूद हैं, वहाँ फिलहाल आप देख रहे हैं राजवीर फटिया अपने साथ समर्थक जो आए हैं उनका, और फिलहाल देखिए किस तरीके से हो हल्ला हो रहा है यहाँ पर, माहौल ऐसा बना हुआ है फिलहाल आप देख रहे हैं। और यहाँ पर भीड़ काफ़ी संख्या में, कांग्रेसी बहुत ज़्यादा, हालांकि प्रदर्शन चलते रहते हैं लघु सचिवालय के सामने। फिलहाल मैंने आपको दिखाया यहाँ पर हाल क्या है, माहौल क्या बना हुआ है महंगाई और बेरोजगारी को लेकर, जो कि कांग्रेस का ये प्रदर्शन था। इसके बाद कितना उस पर फर्क पड़ेगा, कितना अंतर पड़ेगा और माहौल बदलेगा देश में, या फिर आने वाले इलेक्शन फिर दोबारा से बीजेपी पताका फहराएगी या फिर उसमें कोई बदलाव होगा? फिलहाल जुड़े रहें भिवानी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।